देखो क्या सुंदर बात कही है, इसमें लिखा संत लोकस वैभव गुरुभो गुड़ जन्मता। जन्म से सब गुरु है, ब्राह्मण गुरु है, साधु गुरु है, महात्मा गुरु है, ये सब गुरु है। भगवान व्यास लिख रहे हैं ये बात, और मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को कोई काट नहीं पाएगा क्योंकि मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। सर्वेशाम पे तेजांस पुराणज्ञ परो गुरु, इसमें लिखा है परंतु पुराण का जो ज्ञाता है वो धरती के सभी गुरुओं में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गुरु है। जो पुराण का सर्वेशाम तेषांच पुराणज्ञ परो गुरु, जितने गुरु हैं धरती पर जो पुराण का वक्ता है, इसमें लिखा है वह सब गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ गुरु है। इसलिए व्यासपीठ से जो भी कोई पुराण सुना रहा है उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति हमारी भावना होनी चाहिए। जब भी खड़े होके जाना पड़ता है कथा के बीच में से जा रहा जाए तो पुराण पुरुषोत्तम से आज्ञा लेके जाइए। इसका नाम पुराण पुरुषोत्तम है क्योंकि ये मनुष्यों को उत्तम बना देता है। ये ग्रंथ जो पुराण है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बना देता है। ये भगवान का अवतार है। ये क्या अवतार है? ये पुराण पुरुषोत्तम। इसका नाम पुराण इसलिए है ये बहुत प्राचीन है और जितनी बार सुनते हैं उतनी बार नया सा लगता है, इसलिए इसका नाम पुराण है। बहुत प्राचीन है, जितनी भी बार सुनोगे तो भी नया लगता है। और जो इसको सुनता है पुराण की बात को जो सुनता है वो पुरुषों में उत्तम हो जाता है, इसलिए इसका नाम है पुराण पुरुषोत्तम। यदि बीच में से जाना होता है तो वंदन प्रणाम करके और कहा जाता है कि हे देव हे प्रभु हमें कारण बस बीच में से जाना पड़ रहा है, आप हमें क्षमा करें और आपसे प्रार्थना है, दोष समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि कथा के नियम है कुछ नियम चूक जाएं उसमें भगवत दोष लगता है और आरती में वो सब मुक्त हो जाता है स्रोत।